साथी भी आपने आप दीगर साथियों को टाउट कह रहे हैं, जो वर्कर रात 5-5 बजे 6-6 बजे रात पूरी आपके साथ फील्ड में कवरेज कर रहे होते हैं, उनके साथ पीटीआई की कवरेज दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अल्फाज की अदायगी अच्छा सही आप नहीं। अच्छा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही है? नहीं आपने माइक हटा दी, हम बात तो कर लेना आपस में, बात हम सर उसको साइड पे कर दें माइक को और हम आपस में बात बैठ जाइए प्लीज बैठिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने राजी साहब राजी साहब राजी साहब नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, मुझे करने दे पास। चले आप इसको उधर मूव कर देना, बस हो गया। हाँ तो रिकॉर्ड पे कर ले, आगे कर ले माइक कर ले। देखिए मैं कुछ अर्ज करूं। देखिए कल मैं अडयाला जेल में था, यही बिल्कुल जो बात आप हजरात ने की है, वहां जो रिपोर्टर अडयाला जेल में आती हैं, इमरान खान साहब की जो ट्रायल वहां चल रही है, उन्होंने भी बिल्कुल हूबहू यही बात की जो आपने की है। खान साहब कुछ बात करना चाहते थे, उन्होंने कहा जी इससे पहले कि आप बात करें हमारा ये एहतजाज जो है हम रिकॉर्ड करवाएंगे, और हम बल्कि उन्होंने भी कहा वॉकआउट करेंगे। तो खान साहब ने जो बात कल की और जो उससे पहले चंद दिन पहले की थी जेल में, वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कल कहा कि देखिए मुझे जो पूरी बात है वो नहीं बताई गई थी, मैं जेल में हूँ, मुझे मालूमात जो हैं वो एक तरह से छन के मिलती हैं। मैंने जो बयान दिया था कि मैं तायीद करता हूँ, वो सियासी जो मौक़िफ़ था, जो फ़ौज की मुदाखलत है सियासत में उसके हवाले से जो मौक़िफ़ था, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि फ़ौज की मुदाखलत है और नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बातें हैं जो हुई उस दिन तकरीर में संगजानी में जो की गई, उनका मुझे उनका इल्म नहीं था, और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई बताई गई, तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों हो गई, इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात जायद थी, गैर ज़रूरी थी, और इसकी माजरत बैरिस्टर गौहर भी मांग चुके कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ उस दिन जब के पी ए जी क्या करें अब उठा ले ना, हमने तो कहे उठा लिए तो आपने खुद रखी, हम तो बात करना चाहते हैं, माइक साइड पे कर दें, बात तो कर लेना हम उसके बाद, आप नीचे रखते हैं लेकिन बात तो हम कर सकते हैं ना। आप सिर्फ चंद लोगों को साफी मानते हैं, खान साहब ने बरमला कहा कि आप सब लोग जिहाद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आपके इदारे का कुछ भी मौकफ हो, आप अवाम तक बात को लेकर जा रही हैं, उसका पैराया कुछ भी आप करते हैं, लेकिन मालूमात आप ही के जरिए से आवाम को मिल रही हैं। इस वक्त जो मुल्क में एक हब्स का आलम है उसमें आप ही हैं जो एक हवा का झोंका है। उन्होंने कहा आप जिहाद कर रही हैं, मैं उसी बात का इरादा करता हूँ। देखिए एक फर्द वाहिद ने भी बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं इसकी बिल्कुल वजाहत करूंगा, और उनका मौकफ यह था कि मेरा जेल में सिर्फ वो लोग थे जो गुमशुदा लोगों को, जो 3-4 महीनों से लापता लोग थे, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टूडियो में उनको हक्का बक्का बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया, मैं उनकी बात कर रहा था। मैंने कहा आपकी बात में वजाहत होनी चाहिए, और उनका मैं वजाहत कर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो चंद दिनों में इसकी वजाहत। सलमान साहब इसमें एक दो चीजें ऐड कर लीजिएगा कि एक तो आपके चेयरमैन पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और उमर यूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से पीआरए और तमाम जो वहाँ पे साफी पार्लियामेंट में थे उनको बोला गया कि अली मीन गंडापुर साहब अगले 48 घंटे में इस चीज़ की वजाहत भी करेंगे, ठीक है, और बाकी लोगों से उस चीज़ पे अपॉलोजी करेंगे। बात लेकिन सर आज आपके सेनेटर्स की जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप है उस पर से स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं तस्वीरों के साथ के ये डाउट साफ हैं जिनकी जानिब से इनको भेजा गया वहाँ पे, मतलब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एजेंसी या सर हमारे पास स्क्रीन शॉट है हमारे पास। अच्छा नहीं देखिए मैं इसकी बायोडेटा के एक्चुअल में बात करूंगा सबसे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है उसको हम रिमूव कराएंगे और ये आइंदा नहीं होगा। अच्छा देखिए आप और हमारा जो रिश्ता है वो इसमें, देखिए मैं अर्ज करूँ ये रिश्ता कोई मेरी जात के हवाले से अहम नहीं है, ये पाकिस्तान में जो इस वक्त एक अमल है जो सियासी अमल है और जो पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ एक इंतहाई नाजुक तारीखी लम्हा है। हम कहते रहते हैं नाजुक मोड़ है, ये वाकई नाजुक लम्हा है, हम बिल्कुल एक अंधेरे और खाई में गिरने को जा रहे हैं,
इसमें आपका जो रोल है उसको अगर कोई किसी भी हवाले से कमतर करता है तो इंतहाई गलत करता है। इसमें सर एक और चीज ऐड कर लें, ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन जो थे वो पीआरए वालों के पास गए, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के पास, उनसे उन्होंने माजरत की। लेकिन जो बीट रिपोर्टर्स जो आप लोगों को कवर करते हैं सुबह शाम हर जलसा हर एक चीज कवर करते हैं, हमारे से किसी ने रابطہ नहीं किया। कहां आपसे रابطہ मैं कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कहां आपसे रابطہ करिए। हमारा ये है कि हमें आप लोग ने अली बिन गंडापुर की जाने से आएगा आएगा अब आपको काम नहीं है। हम आके सर जब आप बताएं हम आप बताइए हमारे ऑफिस आ जाए हमारे ऑफिस आ जाए रेस्टोरेंट में मैं आपको सर एड्रेस ओके हम आ जाएंगे ठीक है आप हम आ जाएंगे इसके फौरन बाद में खातिर जमा रखिए मैं अली बिन सर ही लेने आया यार बात हमारा उधर आ जाए नहीं नहीं हम जाएंगे ये हो गया एक तो ये बात है। दूसरा जो खवातीन के बारे में जो भी साफियों के बारे में बात हुई है हम कहते हैं वो गलत हुई है वो जायद हुई है और हम उसके लिए बिल्कुल आपके पास आएंगे सर। वजाहत का मकसद ये है कि शिबली साहब ने माइंड किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये शायद जलसे में उस टाइम मौजूद नहीं थे जब अली मीन गंडापुर साहब के आने से पहले कंटेनर से घिराव किया गया, कारकुनान गालियां दी गई, बोतलें मारी गई, उसके बाद उनकी उस खिताब के बाद सदारती खिताब था, हमारे कंटेनर्स को हमारे डीएसएनजी को मारा गया और 16 घंटे कवरेज करने के बाद वो हमें कहते हैं कि आप लोग हमें दिखा नहीं रही, हमने तो नहीं दिखाने, चैनल की पॉलिसी है वो दिखाएं या दिखाएं ठीक है। उसके बावजूद जो मुश्किलात आपके रास्ते में है हम बिल्कुल समझ रहे हैं, चारों जलसे कवर करने के बाद इस जलसे में जो परेशानी हुई है खिताब के बाद इमरान खान साहब का कल का बयान कि ये तमाम जो गुफ्तगू हुई है गलत हुई वो काफी होना चाहिए, लेकिन मैं अली अमीन साहब से भी बात करूंगा और ये बिल्कुल हमारी पार्टी का ना वाकफ है ना ये हमारी सियासत है कि हम किसी की तस्दीक करें। हम आपके बिल्कुल शुक्रगुजार भी हैं, आवाम की वजह से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आवाम तक बात लेकर जाते हैं। मैंने कहा नहीं होटल खत्म किया जाएगा। देखिए दो बातें, एक तो ये है कि सारी दुनिया में लोग बैठे हुए कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल हर शख्स पे नहीं है, लेकिन जो कि अगर ऑफिशियल अकाउंट है या हमारा कोई ऑफिस बैनर है हमारा कोई सेनेटर है हमारा कोई एमएनए है वहां से ये नहीं होगा। सेनेटर ये नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कोशिश नहीं होगी कि आप हमारी वजह से मीडिया से ताल्लुक खराब। देखिए कोई बच्चा बैठा हुआ उधर अमरीका इंग्लैंड में कुछ कर रहा है तो हम उसको नहीं, लेकिन हमारा कोई सेनेटर हमारा कोई एमएनए नहीं करेगा ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हमारा कोई सेनेटर कोई एमएनए ऐसा नहीं करेगा, अगर किसी ने किया है तो उसको डिलीट करेंगे। हम बात अब कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो। बॉयकॉट खत्म करेंगे या बताइए। अच्छा देखिए जो बात आज करने वाली थी जो मैंने कर दी आपसे ही वो बहुत अहम, आपसे मेरी गुजारिश ये होगी बात आपने वो सुननी है, बीवी बेटी मोहम्मद खातून खाला इनका अगवा जो है उसकी बुनियाद पे आईनी तरमीम किस तरह जायज, किस तरह हमारा जमीन इज्तमाई जमीन और फर्दन फर्दन कैसे हम ये बता सकते हैं। सर एक क्या रिक्शा सर मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब का और कैमरामैन की तरफ से आपके बंदे जितने लोग जमीन गंडापुर साहब ने कहा है ना उस दिन बीएसएनयू पे बंदे ढूंढ रहे थे कौन कौन चैनल थे, अगर किसी को नुकसान हो जाता है इसमें उन्होंने कह दिया आपको लीडर है कह दिया फिर क्या होगा। नहीं ठीक है मैं एक्शन दूंगा, आपने बात बता दी है इस पर एक्शन दिया जाएगा, बिल्कुल आईना ऐसा नहीं होता किसी जलसे में किसी हमारी मीटिंग में ऐसा नहीं होता। आप इस बात को जरूर पहुंचाइए, सादुल्ला बलोच का नाम याद रखिए, नजर रखिए सादुल्ला बलोच उसके साथ क्या होता है उसके खानदान के साथ क्या हुआ, ये आवाम को बताना आपका फर्ज है। सलमान साहब इस मामले में बताना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हेबस की पिटीशन जो है लेकर इस वक्त हमारे लोग हाईकोर्ट के बाहर बैठ रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट। आप बात मजीद हम चाहे हम करें या आपका ये बात आपसे पहुंचानी है, लेकिन मेरे लिए नहीं पहुंचानी, उस मजदूर खानदान और पाकिस्तान के आवाम को करवा दिए बाकी आप बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू आज।